न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि आज उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव का जन्मदिन है, लेकिन इसे भी हादसे के कारण सिर्फ औपचारिकता से ही निभाया गया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब रेल मंत्री की जगह प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं तो इस हादसे की उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कैप्टन शनिवार को अपने रेवाड़ी निवास पर अपने विधायक बेटे चिरंजीव राव के जन्मदिवस पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैप्टन ने कहा कि देश में हाई स्पीड रेलगाड़ियां चलाई गई अच्छी बात है, लेकिन उनके रखरखाव के लिए आधुनिक तकनीक भी अपनाई जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के दुखद हादसे ना हों। वहीं उन्होंने महिला पहलवानों के सवाल पर कहा कि देश में जब देश का नाम रोशन करने वाली बच्चियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम युवतियां और महिलाओं के बारे में इसकी कल्पना करना भी बेमानी सा लगता है। जिस पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हों ऐसे दरिंदे को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। के अंदर जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें अब तक 300 लोगों की मृत्यु होने के बारे में पुष्टि की गई है, लेकिन एक डब्बे में कम से कम 80 से 90 लोग बैठते हैं। 3 ट्रेनों का हादसा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज हमने भी जो है, क्योंकि एक ये ट्रेन हादसा हुआ था, चिरंजीव का जो जन्मदिन है बहुत ही सादे तरीके से हमने बनाया है, कोई ढोल वोल नहीं बजाया, केवल जो औपचारिकता जो की जाती है उसको किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा है ये सरकार की नाकामी है कि इन लोगों ने जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए और जो एक्सीडेंट को रोकने के बारे में प्रधानमंत्री रोज रेलवे मिनिस्टर की जगह रेलवे मिनिस्टर की जगह खुद झंडी दिखाने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर रेलवे मंत्री हैं तो उनको इसकी हादसे की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और ये जो सिग्नल के बारे में आजकल इलेक्ट्रॉनिक का समय आ गया है, वो सिस्टम को चेंज करें, पुराने सिस्टम पे कब तक काम चलेगा। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन तो आज तक आई नहीं, आप वंदे मातरम जो है ट्रेन चला रहे हैं। अगर 3 वंदे मातरम ट्रेन ऐसे टकरा जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड से चल रही है। ये जो हादसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मेरा केवल प्रधानमंत्री रेलवे मिनिस्टर इतना ही कहना है कि वो इस प्रकार के हादसे आगे ना हो उसके लिए नए उपाय, नई टेक्नोलॉजी लेके आए ताकि ऐसा घर जो लोग अपने ट्रेन में बैठकर जो अपने आप को सेफ समझते हैं, तो आज जो ये जो हादसा हुआ है इससे जो है देश में बड़ा भारी दुख हुआ है लोगों को। और व्यक्तिगत रूप से आज भी हमने 2 मिनट की जो है उनकी याद में जो है हवा शोक होकर हम लोग जो है हमने 2 मिनट का मौन भी किया था। और मेरी प्रभु से यही इच्छा प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि वह सरकार की नाकामी की वजह से जो है मौत की घाट उतरे। सर, जंतर मंतर पर लगातार धरना जारी है, ब्रजभूषण के खिलाफ भी आज चार गवाह सामने आए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ आज अगर आप देखेंगे भास्कर में, उसमें बकायदा 6 महिलाओं ने उनके बयान नामजद है कि उसने किस तरीके से उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट करी, उनके साथ किस तरीके से गलत तरीके से उनको टच किया गया। अगर अब भी जो है प्रधानमंत्री नहीं जागते हैं और ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, क्योंकि किसानों ने हुंकार भर दी है, खापों ने हुंकार भर दी है और देश भर के जितने भी चाहे वो क्रिकेट क्रिएटर हैं, चाहे वो फिल्म जगत से हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हैं,
सबकी जो है सिंपथी हमारे उन महान खिलाड़ियों की जो जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम महिला के साथ क्या होगा। तो मैं जो है इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ और गृह मंत्री जी से कहूँगा इसका संज्ञान लें और इस व्यक्ति को जो कि एक दरिंदा है इसको सलाखों के पीछे भी।